तो बताइए बलदेव, क्या हाल है? जहां अपना आपकी कृपा है, आपकी छत्र छाया में भला में क्या कष्ट हो सकता है? आपके हाल के बारे में नहीं पूछ रहे हम, अपनी रियासत के बारे में पूछ रहे हैं। हमारी रियासत के क्या हाल है, मुगल सल्तनत के क्या हाल है? क्षमा कीजिए जहांपना, सल्तनत में वैसे तो सब ठीक है, लेकिन सल्तनत के मुनिया गांव के मुखिया अपने गांव वालों के साथ आए हैं। इनकी कुछ अजीब सी गुहार है। अजीब सी गुहार से आपका क्या मतलब है? जहांपना मुखिया ही बताएंगे। मुखिया जी। जहांपना की जय हो। मेरा नाम सुखिया है, मैं मुनिया गांव का मुखिया हूं महाराज। हमें बचा लीजिए महाराज, ऊपर भगवान नीचे आप ही का सहारा है। अगर आपने फौरन हमें नहीं बचाया तो मुखिया गांव में कोई नहीं रहेगा, हम सब मारे जाएंगे। हमें बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। नहीं, हम आपको बचा लेंगे, लेकिन पहले आपको हमें यह बताना होगा कि हमें आपको बचाना किससे है। एक डायन से। जहां पर ना। नहीं 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 ये देखिए अरे वो तो आपने हमारे महल में आते वक्त हमारी सासू मम्मी को देख लिया होगा, वो भी बिना श्रृंगार के। नहीं 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 नहीं, वो डायन नहीं है, आपको उनसे कोई खतरा नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जापना, रानी साहब अपनी मासा के साथ विशालगढ़ के प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गई हैं। शहजादे सलीम भी उनके साथ गए। तो अगर आप हमारी सासू मम्मी के बारे में नहीं कह रहे हैं, तो फिर आप किस डायन की बात कर रहे हैं? जापना, मैं अपने गाँव की डायन की बात कर रहा हूँ। एक डायन है जिसने हमारे गांव में मौत का तांडव मचाया है, ना जाने कितनी जाने ले चुकी है और कितनी जाने लेगी महाराज। जी महाराज, सारे गांव वाले डायन के दहशत की साए में जी रहे हैं, ना जाने कब कहां किसको वो डायन अपना अगला शिकार बना ले। महाराज हमें बचाइए, हमारी जान बचाइए, चलो भाग लो। अरे भाग लें, लेकिन कहां भाग लें और हम क्यों भाग लें? क्षमा कीजिए महाराज, पिछले कई दिनों से डायन के खौफ से सब लोग भयभीत हैं, इसलिए अपने मुंह से निकल जाता है अपने आप, चलो भाग लो। ओ, ओ, ओ। इसीलिए हम आपके शरण में आए हैं, हमें बचा लीजिए जहां पना। मुखिया जी, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, विस्तार पूर्वक बताएंगे। हाँ। हमारे गाँव में एक औरत रहा करती थी, दुर्गा। किसी ने भी सोचा नहीं था कि सीधी सादी दिखने वाली एक औरत असल में एक डायन है, जो रूप बदल के हमारे बीच रह रही है। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी है। गांव में महामारी फैल गई, लोग बीमारियों से मरने लगे, अचानक खेत सूख गए और फसलें सड़ने लगी। और उस डायन का कहर अब गांव के सारे बच्चों पर टूट पड़ा है। वो आधी रात को गांव में आती है और एक एक करके बच्चे को उठाकर लेके चली जाती है। कल रात भी डैन के खौफ से गांव वाले मशाले लेके गांव में घूम रहे। किसे पता था कि पहले से डैन हमारे गांव में घात लगा के बैठे।
मुखिया जी, डैन कहीं नहीं मिली। पूरा गांव ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिली। लगता है शायद जंगल में चली गई है। हे भगवान, मेरी बच्ची! कोई फायदा नहीं होगा। जो भी जंगल में जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। अब हम और मौतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें महाराज के पास ही जाना होगा। वो ही हमें इस प्रकोप से बचा सकते हैं। सही कह रहे हैं मुखिया जी, हम सबको महाराज के पास चलना चाहिए। अवश्य जाएंगे जी मुखिया जी। और इसलिए हम सब आपके शरण में चले आए। हमें बचा लीजिए जहां पना। मुखिया जी, आपको और गांव वालों को ये कैसे पता चला कि वो डायर? हर रात अपने घर में तंत्र मंत्र करना, अपने पति के साथ मिलकर प्रसाद के नाम पर बच्चों को और भोले भाले लोगों को जादू टोनों की चीजें खिलाना, आधी आधी रातों में हमारे खेतों में जाकर काले जादू की भभूत छिटकना, ये सब लक्षण साधारण औरत के लगते हैं बीरबल। उसने कितने गांव वालों की जान ली है, हमारे गांव के मासूम बच्चों को शिकार बनाया है। और क्या प्रमाण किए कि औरत डायन है? यहां तक कि जापना उसने अपने पति को भी नहीं छोड़ा। उसका पति बीमार होकर चल पड़ा। अब उस डायन की नजर हमारे सारे गांव पर है। और जापना डायन सारे गांव का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। जापना हमें बचाइए। चलो भाग लो। अरे बार बार भाग लो कह के आप हमें डरा क्यों रहे हैं? जापना अब आप ही कुछ कीजिए। जहां तक हमें पता चला है मुखिया जी, इस दुर्गा नाम की औरत के पास कई सारे खेत और ढेर सारी जमीन है। हाँ तो? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुर्गा के खिलाफ आपकी ये साजिश? एक मामूली साधारण औरत को डायन बना दिया ताकि मुखिया होने के नाते उसकी सारे खेत और जमीन आपके नाम हो जाए। जवान संभालिए राजा बीरबल। आप बीरबल है तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकते हैं। हम गरीब है तो क्या इज्जत हम भी रखते हैं? आप इस वक्त बड़े दरबार में सबके सामने हमारा अपमान कर रहे हो। मुखिया जी, आप तो बिना वजह ही उत्तेजित हो रहे हो। हमने तो सिर्फ संभावनाएं बताई। यह अपमान है, घोर अपमान। ये सिर्फ हमारा नहीं पूरे मुनिया गांव का अपमान है। और मुनिया गांव के लोग अपना अपमान भूलते नहीं है। तुम्हें इस अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी बीरबल। होश में आइए मुखिया जी, बीरबल की वो मंशा नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। शांत हो जाइए, अपने आप को जरा काबू में लाइए। आप यहां पर फरियाद लेकर आए हैं। आप प्रजा हैं हमारी, आवाम है हमारी, और हमारा फर्ज है कि हम अपनी आवाम की, अपनी प्रजा की हिफाजत करें, जो हम करेंगे और जरूर करेंगे। अब किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सोचने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। कुछ देर के लिए जनता दरबार की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। तक लिया। ये ठीक नहीं किया आपने बीरबल। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इस अपमान का बदला लेकर ही रहेंगे। समझ
समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले के बारे में करें तो क्या करें, कैसे इन गांव वालों को समझाएंगे। डायन वायन कुछ नहीं होती, ये सब उनका वहम है, लेकिन फिर भी हमें कुछ करना तो होगा, लेकिन क्या करें। जहां पना हमारी राय में मुनिया गांव के आसपास मुगल फौज को लगा देना चाहिए। जिल्ले इलाही का जलाल बुलंद हो, एक शख्स आपसे मिलना चाहता है हुजूर। उसका कहना है कि वो डायन को पकड़वाने में मदद कर सकता है। बुलाइए उन्हें। जी हुजूर। जा पना की जय हो। हुजूर मेरा नाम पन्नालाल है। हाँ जी हुजूर, मैं भूत प्रेत विशेषज्ञ हूं और सालों साल मैंने इस विद्या पे काम किया है। हाँ जी, मैंने कितने लोगों को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाई है। हमारे तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम डायन को पकड़ के ला सकते हैं। हाँ जी, और हुजूर हमें पता है कि आपको इन बातों पे विश्वास नहीं है। हाँ जी, नहीं 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 पन्नालाल जी, ये बात जरूरी नहीं है कि हमें विश्वास है या नहीं है, लेकिन अगर आप गांव वालों की मदद कर सकते हैं तो हमें कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन इस मदद के बदले आप हमसे क्या चाहते हैं? हुजूर, जब तक हम इस डायन को पकड़ के ना ले आवे तब तक हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, और जब हम इसको पकड़ के ले आएंगे तो हुजूर आप मन मुताबिक जो चाहे हमें दे दीजिएगा। हाँ जी, अगर आपने गांव वालों को इस खौफ से आजाद कर दिया तो पन्नालाल जी हम आपको मोतियों में तोल देंगे। अब बताइए आप कैसे पकड़ेंगे इस डायन को, करेंगे क्या आप? डायन को पकड़ने के लिए हमको जंगल के अंदर जाना होगा। हाँ जी, और हुजूर ये जो डायन है ना, ये बड़ी ताकतवर है। हुजूर मैं तो ये चाहता हूं कि डायन को काबू करने के लिए आप वजीर आजम बलदेव जी को और इनके कुछ सैनिकों को हमारे साथ भेज दीजिए जंगल में। हाँ जरूर, वजीर आजम बलदेव को आपके साथ जंगल जाने में क्या एतराज हो सकता है? हाँ जी, बलदेव खुशी खुशी आपके साथ जंगल जाने के लिए तैयार हैं। क्यों बलदेव? खुशी 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 जंगल ला जाएंगे। हुजूर मेरे ख्याल से अब इस मामले में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, बस हमें आज ही रात को जंगल में प्रवेश कर देना चाहिए। है जी, तो ठीक है, आज रात जंगल जाने की तैयारियां की जाए। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हैं आप। छोड़िए। छोड़ तो देंगे, लेकिन बताइए तो कि छोड़ना क्या है? अरे कुछ नहीं, हम तो बस इसलिए खुश हैं क्योंकि पन्नालाल जंगल अपने साथ बलदेव जी और वासु को लेकर गए हैं, आपको नहीं। अगर आपको ले जाते ना तो हम जीते जी मर ही जाते। बड़ी चिंता है आपको हमारी। हाँ, आपकी नहीं उस डायन की। सोचिए अगर आप जंगल चले जाते और उस डायन को आपसे प्यार हो जाता तो वो तो आप पर चिपक ही जाती है ना, फिर हम आपको उस डायन से कैसे बचाते? अरे दूसरी औरतों से तो हम आपको बचा सकते हैं, कि डायन से कैसे बचाते? और वो कहते हैं ना कि सौतन डायन होती है, यहाँ तो डायन ही सौतन होती। ये अच्छा है, कहते हैं कि सौतन डायन होती है। हाँ। यहाँ डायन ही सौतन है। हाँ। मगर वो डायन है डायन, और आपसे किसने कह दिया कि हम जंगल नहीं जा रहे? मतलब ये उर्वशी कि हम जंगल जा रहे। हाँ। पन्नालाल और बलदेव जी के साथ नहीं, बल्कि अकेले अपने तरीके से अपने रास्ते से जाएंगे। लेकिन आपको जंगल जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि उर्वशि हमें ये बात हजम नहीं हो रही कि ये सब कोई डायन कर रही, पर पहली बार गांव वालों के विश्वास ने हमारे विश्वास को हिला के रख दिया। ये जो कुछ भी हो रहा है वो किसी साधारण औरत का काम नहीं, और अगर गांव वालों का शक सही है कि कोई डायन है तो हम मिलना चाहेंगे उस डायन से, उसके सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर मिलना चाहेंगे उस डायन से। ओ मैं एकली चामुंडा बिचे फट।
देखो, जब इतना डर रहे तो हमारे साथ आने की क्या जरूरत थी? खुद भी डर रहे हो, हमें भी डरा रहे हो। मुझे पता है पिताजी, आप अकेले जंगल इसीलिए आना चाहते थे ना, ताकि आपकी और डायन की मुलाकात के बारे में माँ को पता ना चले। अरे बेवकूफ, हम यहाँ डायन पकड़ने आए हैं, डायन के साथ जश्न मनाने नहीं आए। मुझे पता है, पर मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। बस देखो भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आखिरी मौका है और आखिरी चेतावनी भी है। जी है जी, चले जी, चलो चलो। हाँ जी भाई, मेरे साथ चलना। ठीक से चलो। राजा बीरबल, आपको मरने का इतना ही शौक था तो अकेले आते ना यहाँ जंगल में, हमें मरवाने के लिए क्यों साथ में लेके आए? इतना भयानक जंगल है, अरे कोई तो होना चाहिए ना हमारी हिफाजत के लिए। हम तो आपको सिर्फ साथ इसलिए लाए क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, एक से भले दो। हमें जाने दो। आप जाना चाहते हैं? आप जाना चाहते हैं? जाइए। सुनिए, अगर रास्ते में वो डरावनी भयानक डायन मिल जाए तो हमारी तरफ से प्रणाम कहिए। क्या हुआ? जाइए। नहीं नहीं, जाइए जाइए। नहीं राजा बीरबल, नहीं जाना चाहते? नहीं, चलिए हमारे साथ। राजा बीरबल, ये पोटली क्यों साथ में लेके आए? इसमें खाना है। यहाँ हम लोग डायन का खाना बनने जा रहे हैं और आप ये खाना खाएंगे? राजा दरबान, अगर हम डायन का खाना नहीं बने तो हम दोनों मिलकर ये खाना खाएंगे। चलिए। ओ मैंगली चामुंडा ने जैसा फट, ओ मैंगली की चामुंडा जैसा फट, ओ मैंगली चामुंडा जैसा फट, ओ मैंगली चामुंडा बिचे नवर फट, अरे फट, ओ मैंगली चामुंडा बिचे नवर फट, ओ मैंगली चामुंडा बिचे नवर फट, ओ मैंगली चामुंडा बिचे नवर फट, ओ मैंगली चामुंडा बिचे फट, ओ मैंगली चामुंडा फट, ओ मैंगली चामुंडा फट। पन्नालाल जी, पन्नालाल जी। राजा बीरबल, डायन आ गई तो? अरे घबराइए मत राजा दरबान, हम है ना, वो तो पता नहीं कि डायन होती भी है या नहीं, हमें नहीं लगता। राजा बीरबल कहाँ गई? भाग गई। पन्नालाल जी कहाँ हैं आप? अरे पन्नालाल जी, पीछे उतर तो गए थे वो। राजा बीरबल, हम तो कहते हैं चलो लौट चलते हैं। नहीं राजा दरबान, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता हम इस जंगल से नहीं जाएंगे। इस मटकी को इस पत्थर के ऊपर रख दीजिए। नहीं, राजा बीरबल, आप यहाँ बैठ के खाना खाएंगे? ये खाना हमारे लिए नहीं है राजा दरबान। लेकिन हमें भी भूख नहीं लगी है। ये खाना आपके लिए भी नहीं है। तो देखते जाइए राजा दरबान और अपना दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अब जो होने वाला है वो आपका कमजोर दिल बर्दाश्त न कर सके। क्या होने वाला है राजा बीरबल? हमने कहा ना, देखते जाइए। बताते भी नहीं है राजा बीरबल। पता नहीं है ये हर जी कहाँ रह गए। अरे क्या हुआ है जी? अरे क्या हुआ? देखने दे,
डायन पर हमला किया, आप कहाँ थे? हैं जी करके कहाँ चले गए थे? अरे बलदेव जी, देखो बात ये है कि जैसे जैसे रात बढ़ती है ना, वैसे वैसे डायन की ताकत भी बढ़ती है। अब गलती हमारी है कि हम आप लोगों को छोड़ के आगे बढ़ गए, है जी। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारे पास इसका उपाय है। अरे क्या उपाय है? इसको पकड़ो, ये है ताबीज। और बलदेव जी, इस ताबीज को सभी लोग धारण करो, और जब तक ये ताबीज आप लोगों के पास रहेगी तब तक वो डाइन आप पर हमला नहीं करेगी, है जी। हाँ जी, हाँ जी, है जी। मुखिया जी, सबको बांट लो जी, बांट दो। राजा बीरबल, अब तो बताइए ना, एक खाना किसके लिए रखा है? जी, हमने जो आपको प्रसाद ला कर दिया था, क्या सभी गांव वालों ने वो खा लिया? सबने खाया और खेतों में छिड़क भी दिया। ठीक, तो अब इस डायन को जलाने की कार्रवाई शुरू की जाए।